मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हिंदू महासभा के पूरे प्रदेश में एकमात्र पार्षद रहे बाबूलाल चौरसिया ने आखिरकार अपने दल को अलविदा कह दिया है। अब उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बाबूलाल चौरसिया वार्ड 44 से हिंदू महासभा के पार्षद थे। कभी कट्टर हिंदू की छवि वाले चौरसिया ने अचानक पार्टी छोड़ने के पीछे कहा है कि वह कई दिनों तक हिंदू महासभा में अंधेरे में रहे और घुटन महसूस करते थे। फिर उन्हें लगने लगा कि उन्हें अपने पुराने घर चलना चाहिए। अब वे अपने पुराने घर में लौट आए हैं। इससे पहले वह कांग्रेस में थे और कांग्रेस के पार्षद भी चुने गए थे, लेकिन उन्होंने 2015 में हिंदू महासभा की सदस्यता ले ली थी और वह उस पार्टी के टिकट पर वार्ड 44 से पार्षद चुने गए थे। हिंदू महासभा ने कहा कि चौरसिया के पार्टी छोड़ने से उन्हें कोई क्षति नहीं हुई है, बल्कि क्षति तो कांग्रेस को होगी क्योंकि बाबूलाल चौरसिया हुतात्मा नाथुराम गोडसे की मूर्ति स्थापना के अगुवा रहे हैं। पार्टी में ले लिया है का मतलब कांग्रेस पार्टी ने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। इससे हिंदू महासभा को नहीं बल्कि कांग्रेस को ही नुकसान होगा। जी, ऐसे क्या हालात बने कि आपको कांग्रेस में जाना पड़ा, जबकि आप कट्टर, आपकी जो छवि है कट्टर हिंदू महासभा की थी? नहीं, कट्टर हिंदू महासभा की छवि तो नहीं कहना चाहिए सर। मैं पहले भी कांग्रेस का था, पहले कांग्रेस से मैं चुनाव लड़ा था पार्षद का, तो कांग्रेस पार्टी से मैं पार्षद से चुनाव जीता था इसी वार्ड से। बीच में ऐसा घटनाक्रम हो गया था जिस कारण जो है हिंदू महासभा के नेतागण मुझे 12 तारीख को जो है उन्होंने मेरा फार्म भरवाया था, घर पे भी नहीं आने दिया था दिल्ली से। उस टाइम जब मेरा टिकट वहाँ से कट गया था जो, तब हिंदू महासभा से मैं चुनाव लड़ा था और हिंदू महासभा से चुनाव लड़ करके मैं पार्षद का चुनाव जीता था। अब कुछ ऐसे बीच में घटनाक्रम घट गए थे जब मेरी आत्मा जो है गवारा निकल रही थी। मैंने ये सोच लिया था कि मैं अपने परिवार में कांग्रेस परिवार में शामिल होऊंगा और मैं अपने कांग्रेस परिवार में शामिल हुआ। हमारे आदरणीय सत्ता दक्षिण के विधायक प्रवीण पाठक जी के द्वारा जो है और आदरणीय कमल नाथ जी जो हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं पूर्व मंत्री, उनके सामने मैं प्रवेश हुआ और उन्होंने जो मुझे गाइडलाइन समझाई कि पार्टी के लिए आपको काम करना है, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पे आपको चलना है, कांग्रेस पार्टी के विकास कार्यों पे विकास के कार्य करना है और जनता की सेवा करना है, जनता का काम करना है। ये मुझे जो है वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी कमलनाथ जी जिन्होंने मेरे को कांग्रेस में प्रवेश दिलाया, उन्होंने मुझे आदेश किया। आपके पूर्व नेता हैं वो जयवीर भारद्वाज, वो तो ये कह रहे हैं उन्होंने नाथुराम गोडसे की जो विचारधारा है वो अपना लिए कांग्रेस ने और अब कांग्रेस पतन की राह पर चल पड़ी है बाबूलाल जी को लेने के बाद। एक दिन था जिसको मैं काला दिन कहूँगा सर, और वो काला दिन भूल भुलैया में रह करके मुझसे ऐसा कार जो है मतलब हो गया जो मुझे भूल भुलैया में रखा गया। इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि भारत के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ एक ही हिंदू महासभा का पार्षद है, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कोई पार्षद नहीं है हिंदू महासभा का, कोई ग्वालियर के अंदर दूसरा कोई पार्षद नहीं है हिंदू महासभा का। और मेरा अंदाज़ा, मेरा जहाँ तक सोच है कि भारत के अंदर भी कोई हिंदू महासभा का पार्षद नहीं होगा। अब एक पार्षद था, वो भी अगर कांग्रेस में चला गया तो अब बचा क्या? इसलिए वो अभी हो सकता है तरह के आरोप भी और भी लगा सकते हैं मुझे। आपने तो कहा था कि वो नाथुराम गोडसे का जो आखिरी बयान है वो 1,00,000 लोगों तक पहुंचाएंगे, आपने दावा किया था। जी एक मैंने तो कोई ऐसा बयान नहीं दिया था। आपने 2017 में इस तरह का बयान दिया था? जी 2017 में आपने हिंदू महासभा कार्यालय में इस तरह का बयान दिया? नहीं, ऐसा तो मैंने आखिरी बयान है जो उनका नाथुराम गोडसे का, ये कुछ भी कह सकते हैं, मैंने तो कोई ऐसा नहीं कहा। अखिल भारत हिंदू महासभा को कोई क्षति इसमें नहीं हुई है। हम तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी को साधुवाद देना चाहते हैं कि उनने अब गांधीवाद की हत्या करना शुरू कर दी। जो गौड़से नाथुराम गौड़से की पूजा करे, जो हुतात्मा नाथुराम गौड़से की हिंदू महासभा कार्यालय में 15 नवंबर 2017 में मूर्ति की स्थापना करे, उसका अभिषेक करे, उसका पूजन करे और वो आज ही नहीं लगातार करता रहे, ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस की सदस्यता देने के पीछे उनका उद्देश्य गांधीवाद की हत्या करना है। क्योंकि हुतात्मा नाथुराम गोडसे जी को गांधी का हत्यारा कहने वाले ही आज उन्हीं व्यक्तियों को, गोडसेवादियों को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराकर ये स्पष्ट कर देना कर दिया है। और हमारी हिंदू महासभा की
प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी को खुली चुनौती है कि वो इस पे साक्षात्कार कर लें, बहस कर लें। मैं उनको एक नहीं अनेकों प्रमाण दे दूंगा कि बाबूलाल चौरसिया ने नाथुराम गौड़ से, उतात्मा नाथुराम गौड़ से नारायण आप्टे की आरतियां की हैं, उन्हें पूजा की है और हिंदू महासभा के कार्यक्रमों में शपथ लेकर कहा है कि मैं हिंदू महासभा नहीं छोड़ूंगा। चुनाव के दौरान उन्होंने शपथ पत्र प्रस्तुत जनता को, 44 की जनता को किया था कि मैं 5 साल तक सेवा करता रहूंगा, हिंदू महासभा ही रहूंगा, हिंदू महासभा छोड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन आज आज गांधीवाद की हत्या करने वाले ही गौड़सेवादियों को अपना सदस्य बना रहे हैं, इससे बड़ी हर्ष की बात क्या होगी कि उनको अंधेरे में रखा गया और हिंदू महासभा में। अरे बड़ी हर्ष की बात है कि एक पार्षद अखिल भारत हिंदू महासभा के नामांकन से पार्षद ही का प्रत्याशी का फार्म भरता है, वो जीतता है, हिंदू सभा कार्यालय में बैठकर योजनाएं बनाता है और उसके बाद वो कहता है कि मुझे अंधेरे में रखा गया। आप बताइए, कोई आदमी एक बार अंधेरे में रख लेगा, लेकिन 4-4 बार यदि कोई आदमी पूजन कर रहा है किसी का, तो वो किसी के दबाव में या किसी के उसमें कर सकता है क्या? लेकिन दल बदल की कहानी करने वाले, अपने अपना लाभ लेने वाली कांग्रेस अब विलुप्त होने की कगार पर आ गई है, क्योंकि उसके पास कार्यकर्ता बचा नहीं, इसलिए पैसे की खरीद फरोख से वो खुलेआम ऐसी हरकतें कर गांधी के कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं और सावरकरवाद की पताका इस देश के अंदर राष्ट्रीय ध्वज जो है भगवा होने जा रहा है। जी, हम वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।